हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा नमूना लाए हैं। इसमें पत्तियां हैं, फूल हैं, जिसको हम बनाना बताएंगे। पत्तियों के लिए हमने हरे रंग का सिल्वर थ्रेड लिया है और फूल के लिए एंकर थ्रेड लिया है हमने येलो एंड रेड कलर का। अब हम इसकी एम्ब्रॉयडरी करके दिखाएंगे। तो चलिए एम्ब्रॉयडरी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डंडियाँ बनाएंगे, स्टेम्स। उसके लिए हमने ग्रीन धागा अपनी सुई में डाल दिया है, उसे सबसे जहाँ से शुरुआत करनी डंडी के वहाँ से निकाला। उसके बाद थोड़ा आगे जाके उसी पॉइंट के पास में से ऐसे निकाला, इस तरह से। ये स्टेम स्टिच कहलाती है। फिर वैसे ही किया, पीछे से उसी पॉइंट के पास निकाला और धागा इस साइड ही रखा। ये धागा इस साइड ही रहेगा हर बार। फिर देखिए धागे को हम इसी साइड करते हुए ये इस तरह से सुई फिर से ऊपर से निकालेंगे। हर बार हम धागे को अपनी सुई के राइट साइड ही रखते हुए सुई को पुल करेंगे इस तरह से। ये स्टेम स्टिच पूरी जितनी भी स्टेम्स हैं उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं। बहुत ही आसान है, आप आउटलाइन की तरह भी इसे यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी, या आप इसे हिंदी में उल्टी बकिया कहते हैं तो उल्टी बकिया हम फॉल वगैरह यूज़ करने में भी लगाते हैं। इस तरह से हमने ये उल्टी बकिया से सारे स्टेम्स को पूरा करना है। सिल्क के थ्रेड हमने यूज़ किए हैं और ये 6 स्ट्रैंड का पूरा यूज़ किया। इस तरह से डंडियाँ बनानी है हमें, सभी डंडियाँ ऐसे ही बनेंगी। इस तरह से सारे स्टेम्स होने के बाद हम ये पत्ती बनाने वाले हैं। पत्ती बनाने के लिए भी हमने सिल्क थ्रेड ही यूज़ करना है 6 स्ट्रैंड्स का। उसे पत्ती के एकदम टॉप पे से इस तरह से निकाल लेंगे धागा। फिर बीचों बीच एक इमेजिनरी लाइन मानते हैं, या आप एक लाइन खींच भी सकते हैं। उसी लाइन के ऊपर थोड़ा सा इस तरह से धागा इस कपड़ा लेना है और फिर ऊपर जो मेन धागा है उसके दोनों तरफ से इस तरह से निकालना है अपनी सुई को। फिर इस लाइन पे ही इसे थोड़ा सा कपड़ा लेना है। ये हमारा मेनली चिकन एम्ब्रॉयडरी में यूज़ होने वाली लीव्स है, जिसे घास पत्ती कहते हैं। ये कुछ कुछ जो फिश बोन वाली लीव्स होती हैं उससे मिलती जुलती है। इस तरह से हम दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा कपड़ा, देखिए इस तरह से हमने बीच में से थोड़ा सा कपड़ा लिया यूँ, और उसके बाद जो ऊपर बना है इसके दोनों तरफ इस तरह से, दोनों तरफ से ऐसे नीचे जाते तक फैलता हुआ जाएगा और नीचे जाके फिर थोड़ा सा समेटेगा। इस तरह से हमें सारी पत्तियों को बनाना है। आसान है, पत्ती में कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली होती है। ये हो गया, फिर इसके दोनों तरफ से थोड़ा सा दूरी पे नीचे की तरफ बढ़ते हुए हम कपड़ा लेंगे। कभी कभी टैंगल्स हो जाते तो उसे सुलझाना पड़ता है। आसानी से सिल्क थ्रेड में टैंगल्स आसानी से सुलझ जाते हैं। से हो गया, इस धागे को हम जो आया है इसे हम बनाने में दबा लेंगे। अब बीच में से थोड़ा सा इस तरह से सुई में लिया धागा को, कपड़े को एक स्टिच बीचों बीच से ली, फिर दोनों तरफ यहाँ पत्ती के टॉप पे से जो चल रही है नीचे की तरफ वहाँ से थोड़ा सा यूं लिया, फिर बीचों बीच से थोड़ा सा। इसी तरह पूरी लीफ में हम बनाते जाएंगे, एंड में भी क्या करेंगे दिखाएंगे। बहुत ही खूबसूरत लीव्स बनती हैं और आसानी से बनती हुई जाती हैं। यूँ करके हमें पूरे में करना है। आप देख रहे होंगे दोनों ही तरफ से हम नीचे जाते जा रहे हैं धीरे धीरे, पत्ती के नीचे की तरफ ऐसे ही करना है हमें। इस तरह से पट्टी को हमने यहाँ तक ले आए हैं, एंड के पास ही है, सेम वैसे ही बनाते आए थे। अब एंड में क्या करना है वो आप देखिए। देखिए इस तरह से हम एंड पे, क्योंकि पत्ती अब हमें बंद करनी है तो हम नीचे की तरफ धीरे धीरे, जैसे ऊपर तो आप वैसे ही कर रहे हैं, नीचे की तरफ भी थोड़ी थोड़ी फैला के लेते जाएंगे। यानी जैसे हम छोटे सी स्टिच ले रहे थे नीचे की तरफ, अब हम थोड़ी सी ये देखिए यहाँ पे बड़ी स्टिच लेंगे, यहाँ से लेकर थोड़ा और आगे तक इस तरह से स्टिच धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, और ऊपर की तो जैसी लाइन में दी हुई है वैसे ही करते जाएंगे इस तरह से। फिर ये ऐसे जाएगी और यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा हुआ कपड़ा लेंगे हम,
जैसे पहले थोड़ा थोड़ा कपड़ा था, अब की बार एंड में बड़ा ज़्यादा, नीचे बीच वाली लाइन पे बड़ा ज़्यादा कपड़ा लेते हैं। इस तरह से ये लीफ हमारी कंप्लीट हो जाती है। सारी लीफ हम इसी तरह से बनाएंगे, बहुत ही आसान और खूबसूरत लीफ बनती है हमारी इस तरह से। अब हम इस तरह से धागा खींच लिया पीछे, ये लीफ का फाइनल लुक है। इसी तरह की सारी लीफ हम बनाएंगे। देखिए लीफ और सारी डंडियाँ कंप्लीट हो गई। लीफ बनाने में छोटी लीफ में एंड में हम जैसे बढ़ा हुआ धागा बीच में से ले रहे थे वो यहाँ पे नहीं लेते हैं, और छोटा पत्ती आराम से ऐसे ही बन जाता है। अब हम फ्लावर बनाएंगे। फ्लावर बनाने के लिए हमने 6 स्ट्रैंड का धागा अपनी सुई में लिया है रेड कलर का, और इसमें एंड में हमने नॉट लगा दी है। हम यहाँ पर उल्टी लेजी डेजी स्टिच को यूज़ करेंगे फ्लावर बनाने में, और पेस्टल स्टिच, दो स्टिच हमारी यूज़ होंगी। हमने एक यहाँ से सुई को ऊपर ले लिया, फिर इसी पॉइंट पे से सुई को जो गोला हमने अंदर की तरफ ड्रॉ किया है उसके पास में से निकाला, और इस तरह से धागे को सुई के ऊपर चढ़ाया और ये पुल कर लिया अपनी सुई को। और ये जो अंदर वाला गोला है इसके बीचों बीच के पॉइंट पे हम अपनी सुई को अब इंसर्ट करेंगे। ये देखिए इसके बीचों बीच के पॉइंट पे हम अपनी सुई के इंसर्ट कर दिया, और फिर से हमने जहाँ हमने पहले बनाई थी उसी के पास में से अपनी सुई को ऐसे निकाल लिया। अब इस जगह से फिर से सुई को लेते हुए जो अंदर वाला गोला है उसके पास से निकालेंगे यूँ, और फिर अपने सुई पे ये धागा यूँ चढ़ाएंगे, इसे धीरे से खींच के फिर उसी पॉइंट पे जहाँ बीचों बीच में हमने पहले इंसर्ट किया था वहीं इंसर्ट करके फिर से थोड़ा आगे बढ़ते हुए अपनी सुई को इस तरह से निकाल देंगे। पूरे फ्लावर में हमें इसी तरह से डेजी डेजी को यूज़ करते जाना है, बीच में इंसर्ट करना है और फिर थोड़ा आगे बढ़ के सुई को निकाल लेना है। पूरी ही की पूरी इसी तरह से हमारी बनेगी। ये हो गया, थोड़ा सा एडजस्ट कर लें और बीच में इंसर्ट कर दिया। इस तरह से जो फ्लावर बनने वाला है इसमें हम येलो कलर भी यूज़ करेंगे। फिर से हम निकाल लेंगे थोड़ा पास में से। ये डिस्टेंस आप बढ़ा घटा सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है कि जो लेजी डेजी का बेस है उसके में कितना अंतर रखिए दोनों के बीच में, दो स्टिचेस के बीच में। इस तरह से हम लगभग बहुत छोटा सा डिस्टेंस ले रहे हैं, इस तरह से पूरे फ्लावर में करते जाएंगे, और सारे फ्लावर ऐसे ही हमें बनाने हैं। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ पे एंकर के थ्रेड यूज़ किए हैं। इस तरह से ये फ्लावर कंप्लीट हो गया। हमने लास्ट लेजी डेजी बनाई है, इसी पे भी हम बीचों बीच में इंसर्ट कर देंगे, जैसे कि हर लेजी डेजी के बाद धागे को बीच में इंसर्ट कर रहे थे। इस तरह से ये फ्लावर रेडी है। अब हम इसमें येलो रंग का धागा लगाएंगे और बाकी के फ्लावर पहले रेड बना के। ये हमारे सभी फूल रेडी हो गए हैं। अब हम इसमें येलो धागा सुई में ले लेंगे। पूरे 6 स्ट्रैंड लिए हैं और दो स्टिचेस के बीच में से हम अपनी सुई को ये ऐसे ऊपर की तरफ लेंगे, और फिर पेस्टल स्टिच बनाएंगे, या कह सकते हैं कि लॉन्ग बुलियन नॉट, फ्रेंच नॉट, सॉरी लॉन्ग फ्रेंच नॉट। इसमें हमने अपनी सुई में को ले लिया ऊपर और फिर दो बार ऐसे लपेटा, और जो एक्चुअल वाला गोला था हमारा बाहर वाला उससे थोड़ा बाहर की तरफ हम इसको इंसर्ट करके सुई को ऐसे खींचेंगे, धीरे से खींच लेंगे और फिर दोबारा इसे दोहराएंगे। ये हमने दूसरी बार सुई को लिया दो स्टिच के बीच में से, फिर दो बार लपेटा, फिर बाहर वाले गोले से थोड़ा ऊपर लेते हुए इस तरह से इसे इंसर्ट कर दिया। ये हो गया। फिर अगली दो स्टिचेस के बीच में से हम अपनी सुई को ऊपर लेंगे। ये देखिए, आप चाहें तो काफ़ी अंदर से भी ले सकते हैं। जो बड़े फ्लावर हम बनाएंगे उसमें हम दोनों स्टिच के बीच में काफ़ी अंदर से येलो धागा लेंगे, दो बार लपेट के फिर सर्किल के थोड़ा ऊपर से हमने इस तरह से इंसर्ट कर दिया। सभी फूलों में हमें इसी तरह से पेस्टल स्टिच को बनाना है। बहुत ही आसान है ये स्टिच और बहुत ही खूबसूरत भी दिखती है। इस तरह से
हर दो स्टिच के बीच में एक ये पेस्टल स्टिच बनेगा पूरे में। हमें इसी तरह से करना है हर फ्लावर में। जो बड़ा फ्लावर है उसमें स्टिचेस के बीच की दूरी ज़्यादा है, इसलिए उसमें आसानी से काफ़ी अंदर से हम ये पेस्टल स्टिच बना पाएंगे। दो बार लपेटा और फिर इस तरह से इंसर्ट कर दिया, ऐसे ही करना है। ये देखिए हमने पूरे फ्लावर पे पेस्टल स्टिच बना ली है। अब येलो धागे को सुई में लेते हुए बीचों बीच में से एकदम फ्लावर के हमने अपने सुई को ऊपर लिया है और फिर से तीन बार हम लपेटेंगे सुई पे धागा और सेम होल पे हम ये इंसर्ट कर देंगे सुई को अपने अंदर और धीरे से सुई को नीचे की तरफ पुल कर लेंगे। ये बीच का हमारा फ्रेंच नॉट बट गया। सभी फ्लावर ऐसे ही देखिए पूरा हमारा नमूना बन के तैयार है। बड़े फ्लावर में हमने पेस्टल स्टिच काफ़ी अंदर से लिया है, इस तरह से पूरा ये रेडी है। अगर आपको मेरा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करके। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपको आ पाए। थैंक यू।